आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। हमें रिएक्शन में क्या दिया है? CH2CH3। फर्स्ट टाइम पे हमें दिया है Br2 की रिएक्शन हो रही है HNO के साथ में। जब इस तरह की रिएक्शन होती है तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, मुक्त मूलक अभिक्रिया है। ये मुक्त मूलक अभिक्रिया के अंदर मुक्त मूलक बनता है और फिर बाद में अभिक्रिया होती है। तो अगर हम Br2 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो पहले वो चेन पे होती है HNO के साथ में, तो चेन पे होती है, तो ये चेन है यहाँ पे, ये वाली है ना कार्बन वाली। तो यहाँ पे CH2 और CH3 है, कौन सा वाला कार्बन हाइड्रोजन देगा और स्टेबल रेडिकल बनेगा? और जो कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और रीज़न होता है कॉन्जुगेशन के कारण स्टेबिलिटी आ जाती है, अतिसेवन उसका रीज़न है, अतिसेवन के कारण। ठीक है, अब यहाँ से ये जो CH है ना, यहाँ Br आ जाएगा, CH Br, और ये वापस CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, KOH डाला गया है, KOH डाला गया है तनु। अब KOH क्या कर रहा है, बेस की तरह काम करेगा ये, और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, नाइट्रोजन के पास में जो जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो ये NH नेगेटिव हो जाएगा, है ना, CH CH3, ये Br। तो जब भी Br हो, कोई भी हैलोजन हो और नेगेटिव हो ना सिस्टम के अंदर, तो ब्रोमीन की क्या, जो हैलोजन्स की क्या होती है, ये क्या करते हैं ना, स्टेबिलिटी के लिए Br- की फॉर्म में निकल जाते हैं, क्योंकि जो क्लोरीन है उसके पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के पास भी कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, एक और इलेक्ट्रॉन लेकर ही क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ये एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पा सकते हैं, इसलिए अपना स्ट्रक पूरा कर सकते हैं। मतलब तो अपना स्ट्रक पूरा करने के लिए ये Br- की फॉर्म में निकल जाएंगे। Br- में क्या होता है, उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। Br- यहाँ से निकलेगा, स्टेबल है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, Br- निकला, यहाँ आ गया प्लस चार्ज, तो ये प्लस माइनस सब बॉन्ड बनाएंगे, तो सिस्टम के अंदर चार्ज भी खत्म हो गया और इनका बॉन्ड भी बन गया। कितने मेंबर बॉन्ड बनाइए, कितने मेंबर रिंग बनी है, ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाती है इस तरह से, है ना, और ये CH3। तो हमें ये मिलेगा, करेक्ट आंसर है इसका सी है, कार्बोनिल भी है ना ये, करेक्ट आंसर इसका सी होगा, अलग तरह से लिखा हुआ है लेकिन सेम है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।